नमस्कार आज प्राइम डिबेट सह मुभरंजन देखा देलानी टीका संकट चाहिदा अधिक उत्पादन कम कमुची टीका जोगाण 45 वर्ष रु अधिक एबे मिलुनी द्वितीय डोज टीका एपटे 18 वर्ष रु अधिक टीका देबारे होई पारे विलंब चाहिदा मुताबक टीका उत्पादन हेउ नथिबारु एभली आशंका देखा दैछि। राज्य सरकार टीका कंपनी को अर्डर देथिले भी एथिरे विलंब होई पारे। राज्य रे एबे पाखापाखी 900 टीकाकरण केन्द्र बंद। एभली स्थिति रे सचेतनता धैर्य एवं संयमता ही रक्षा कवच या कुने आज आलोचना टीकाकरण रे लागी पारे ब्रेक। गोटे पटे सचेतनता सतर्कता कटकणा एवं अन्य पटे जोरसोर रे चली थिला टीकाकरण समस्तंकर अपेक्षा रही थिला टीका साधारण रे उपलब्ध होई जिवो एवं टीका ही गोटे प्रकार आम पई संजीवनी हेबो एवं कोनोसी असुविधा भविष्य रे आमे आउ सामना करबा नाही। किंतु वर्तमान समय रे देखा जाउछि टीका संकट चाहिदा जेतिकी रहूछि से तुलना रे टीका उत्पादन हेउ नाही एवं आवश्यक अनुसार टीका दे पारु नहंती कंपनी। वर्तमान समय रे राज्य मानकरे टीकार घोर अभाव देखा देलानी। जदि आमे आम राज्य कथा आलोचना करबा ताहले 1500 पाखापाखी टीकाकरण केन्द्र चली थिला वर्तमान मात्र 600 केन्द्र चली अर्थात 900 टीकाकरण केन्द्र वर्तमान बंद रही वर्तमान आशंका देखा दूची आगो को मध्य टीकाकरण बाधा प्राप्त हो पारे। वर्तमान यही स्थिति जे माने प्रथम डोज नहीं द्वितीय डोजर अभाव देखा देला खास करके 45 वर्ष रु अधिक वयस्क व्यक्ति मैंने वर्ग में टीका नहीं अंपटे सरकार योजना रही है मे 1 रु 18 वर्ष रु अधिक टीका देवाई किंतु वर्तमान रो स्थिति देखिले टीका मिलवा नहीं गोटे प्रकार आशंका देखा देलानी। तो वर्तमान समय लोकंकर धैर्य एवं संयमतार निश्चय पुणी थरे परीक्षा हेबो। ए पूरा प्रसंग रे आज आम आलोचना करिबा आम सहित रहउछंती जगदानंद विशिष्ट समाजसेवी से भली डॉक्टर संतोष मिश्र वरिष्ठ चिकित्सक आम सहित रहउछंती। आपण उभयंकु स्वागत करुछि आज आलोचना को श्रीयुक्त जगदानंद समस्त मृत्यु संख्या एवं संक्रमित संख्या देखिले विचलित करुछि एवं टीका हुए तो आउरी किछि विलंब हो पारे साधारण रे उपलब्ध हेबा पई बा 18 वर्ष रु अधिक को टीका देबा पई एभली स्थिति रे हमरो संयमता धैर्य रो पुणी थरे परीक्षा हेबो निश्चय। हमर जो टीकाकरण को नैकिरि जो कार्यक्रम टा करा हितला आज्ञा से कार्यक्रम रे गोटे जिनस करा हितला जे जो माने जहाँकर जो वर्गरे मृत्यु हार अधिका जो माने बहुत प्रभावी वर्ग तांको टीकाकरण आग करा जीवो आमर करा हितला जे जो माने 60 वर्ष रु अधिका तांकर प्राय 80 जत्ते लोक मरिचंती ता भितरु सेतबेले प्रथम पेज रे 80 भाग हेले ए सीनियर सिटीजन्स तेणु तांको पई कराला प्रथम स्तर रे आमर स्वास्थ्यकर्मी एवं आगुआ धाड़ी जो माने कोरोना योद्धा कहा जो माने पुलिस अन्यान्य कर्मी माने तांको छड़ा सीनियर सिटीजन मानको प्रथम वर्ग रे सेतपई करा हितला जे कारण तादी रे मोर्बिडिटी वाज वेरी हाई किंतु प्रकृत कथा हला जत्ते सीनियर सिटीजन हमर अछंती 60 वर्ष रु अधिक अछंती समस्तिंकर जदि टीकाकरण हेथांता तबे जाईकरी से माने समस्ते रही पारे निरापत्ता भितर गोटे बलय भितर रे बोले आम आशा करवा कथा किंतु दुर्भाग्यवशत समस्त टीकाकरण हो पारे एवं भी बहुत सीनियर सिटीजन टीका बाहर रही जापर खोल जो माने 45 वर्ष एवं 60 वर्ष भितर जो माने 45 वर्ष रु 60 वर्ष भितर से तो देखागला जे आउ जो मोरबिडिटी होउची सीनियर सिटीजन को बाहर जो मानकर विभिन्न समस्या अच्छी ता छड़ा आउ जो रहिले ता भितर 88% लोकंकर मोरबिडिटी हेची एही वर्ग रे एही वयस वर्ग रे तेणु तापर तांको खोला हला 45 रु 60 45 रु 60 वर्ग रो जो खोला हला से वर्ग रे भी देखा गला जेतिके लोक 45 वर्ष रु 60 वर्ष भितर टीका योग्य टीका नबार योग्य तांकर भी समस्तंकर टीकाकरण हेनी कहार एवं प्रथम टीका एवं द्वितीय टीका ता भितर भी द्वितीय टीका बहुत लोक प्राय पाईना एवं बहुत कम लोक जे कि द्वितीय टीकाटी पाई तेणु गोटे है प्रथम फेज रो जो माने सीनियर सिटीजन तांकर बड़का लोक अच्छा 45 रु 60 वर्ष बड़का लोक अच्छा तापर सरकार एवं कहले 1 तारिख रु खोलीदे मे 1 तारिख रु खोला हे तेणु मे 1 तारिख रु ये जो खोला हे
ये जो प्रथम दी वर्गर सेकेंड टीका एवं जो माने नै नांती तांकर आमे जहाँ देखुचु टीका केन्द्र रे इत्ते भिड़ होउची एवं वयस्क लोक माने बुढ़ा बुढ़ी ए भलिया सब अति अकर्मण्य जो मानकर भिन्नक्षम लोक अछंती से माने भी जो आकार रे सेठी जाइकर टीकाकरण केन्द्र रे भिड़ करुछंती से जो विकलताटा बड़ बड़ परिष्कार भाव रे देखा जाउची लोकंकर आग्रह अछि टीका को आसुछंती किंतु टीकाकरण केन्द्र रे पर्याप्त व्यवस्था ना बातक लोक आसुच्च समस्त देला भाया टीका ना पाखे तेणु यहाँ गोटे जोटा आज चर्चा मुझे भावुँ गोटे भयंकर परिस्थिति आगे सृष्टि कर कंपाउंड करुच्ची आमर जो दुईटी टीका गोटे है सेरम इनिट्यूट्र कोविशिल्ड एवं एपटे है भारत बायोटेक्र कोवैक्सीन सेरम इनिट्यूट्र जो कोविशिल्ड तार रॉ मटेरियल पाई बहुत द्वंद्व थिला अमेरिका को से माने बहुत दिन हालांकि अपेक्षा करचंती तांको रॉ मटेरियल आसिले एठी प्रोडक्शन टा बढ़िबो बा प्रोडक्शन ठीक भावरे चली पारिबो जदियो एप्रिल मासर प्रथम सप्ताह रु समानकर रॉ मटेरियल रो समस्या हालानी एबे एबे आमे जहा देखिलु एई गला दुई तीन दिन तले अमेरिका सरकार राजी हेले तांको जहा रॉ मटेरियल ताकु देबे कारण से गोटे पाबंद लगे तेणु ये भी प्रोडक्शन विलंब हो सृष्टि कारण एक तारीख रो टीकाकरण आरंभ हेपाई जाऊला प्रकृत में ना ये गोटे बड़ आशंका सृष्टि होती डॉक्टर संतोष मिश्र टीकाकरण और टीका उत्पादन मंथर हो गला कि आउ टे क्षिप्र हो पारि था देखो टीकाकरण विषय मुझे कहवाक चाहिए प्रथम जो प्रथम लहर थिला कोरोना सेतेबले टीका नथिला किंतु द्वितीय लहर बेलू को आमर टीका चली आसी टीकार उपदेय तो मुझे संक्षेप आपको कहबी गोटे इस्राएल भाया छोटिया देश जो वर्तमान समस्त टीकाकरण दिहाई सारा आश्चर्य कथा से संक्रमण बहु मात्रा कमीगला से दावी करतमान मास्क भी पिंधा दरकार ना जमी आमेरिका आ यूरोप देश से सब टीकाकरण पर स्थितर बहुत सुधार आसला तेणु गोटे कथा मन रखा पड़ो जे आम जो कोविड आप्रोप्रिएट बिहेवियर भर रोचे ये कोरोना को मात देवाक आमको टीकाकरण को बढ़ेवा पड़ो एवं भारत स्थिति आजिका दिन देखिले आम जो आरंभ कले टीकाकरण से आम दे वर्कर मान को दे कोविड वॉरियर को दे 60 वर्ष ऊर्ध लोक दे जो मान कोमॉर्बिडिटी दे सेत लोक मैंने सचेतन हो ना लोकों भितर किसी भ्रांत धारणा थिला जे टीका नवा कौन दरकार टीकार कौन उपकार किंतु आस्ते आस्ते लोक जोबले द्वितीय लहर बढ़ी बढ़ी चलला लोक मैंने सचेतन होती लोके जानुंती या ही एकमात्र उपाय बचापाई या ही एकमात्र रक्षा कवच तेणु लोक मितरे गोटे टीकाकरण नापी उत्साह सृष्टि एट अहेतुक उत्साह कहब किंतु जोबले ये उत्साह सृष्टि से डिमांड और सप्लाई भितर समस्या सृष्टि जहाँ सार कहले बहुत टीकाकरण सेंटर ओडिशार भी आज बंद हो जा 1500 सेंटर प्राय 900 सेंटर बंद हो जाए केते टीका दबा आ टीकाटा को आमको अति शीघ्र दबाक पड़ो कारण जदि टीका गोटे समय भितर आम नदे पारे तो टीकार कौन हम ना जो नुआ 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 तार बाहर भेराइटी जो म्यूटांट बाहर से म्यूटांट हुए रेजिस्टेंट हो पाए तेणु ये टीका काम न दे पारे तेणु टीकाकरण को आहरी जोर से बढ़ाक हम कि जोबले बेस दबाक पड़े से आम पाखे टीका ना से टीकार समस्या देखा दौर तेणु निश्चित भाव में यहाँ गोटे भविष्य को विस्फोरण सृष्टि करने जा मे 1 तारिख रु जो आम 18 वर्ष ऊर्ध और 44 वर्ष कम लोक टीका देवा चाहूँ से हूँ तो अनेक सेंटर में टीका नथिबो आज स्पष्ट हो गला आज आमर निर्देशक कही सारे परिवार कल्याण निर्देशक कही सारे हूँ तो टीकाकरण डेरी हो पाए तेणु ये जो मेसेजा जाऊँगी जे टीकाकरण डेरी हो पाए 18 वर्ष रु 44 वर्ष लोक टीका एत शीघ्र न मिल पाए यहाँ गोटे बैड मेसेज यहाँ गोटे नकारात्मक मेसेज जाऊँगी अधिकांश सेंटर में आम आज देखीचे जे लोक मान गहली एत हो बहुत सीनियर सिटीजन फेरिक चली आसुच्चे लोक मैंने परवर्त समय पुणी थे फेरुच्छे श्रीजुक्त जगन्नाथ मुझे प्रश्न आपको धैर्य और संयमतार कथ ये पचारि कारण आम देखुचे दुर्भाग्यजनक परितापर कथा कह जाए विभिन्न
टीकादान केन्द्र में उत्तेजना सृष्टि होगक स्थित कौन है एक आम कहीपर ना कि बास्तवता हूँ बर्तमान टीका पहुँची ना से दृष्टिकोण रु लोकों सहयोग और भूमिका किभली रहा दरकार आम समस्ते मूलर जाते जे टीका जोबले बाहर पर्याप्त तो परिमाण टीका मिलवा मुस्किल हम कारण भारत भाया गोटे देश में इतने जनसंख्या ये सबू लोक शहे कोटी रु अधिका लोक टीकाकरण दीटा फेज रे दबा समय लगे ये जो समय को स्टागर करने कि समय आम निश्चय हरईचे यहाँ आमको मानवाक पड़ो प्रथम फेज और द्वितीय फेज मझीरे जो गोटे आमको टे समय मिलता गोटे कुशन टाइम मिलता टीकाकरण को त्वरान्वित करता आए से टीका भी उपलब्ध था से टाइमटा आम टे हरईचे तेणु तार मूल्य बर्तमान आमको दबाक पड़ी द्वितीय जी चूना से पिठा एवं जोटा डॉक्टर मिश्र कहते जो सप्लाई आउ डिमांड जो सप्लाई जी बढ़िया भाव में चल डिमांड को मीट करहब जो डिमांड बढ़ीज सप्लाई कमिज से निश्चय विशृंखला होवार संभावना अच्छे तेणु आज दिन में आमको मानवाक पड़ो जे सप्लाई डिमांड भितर गोटे गैप अच्छी एवं विराट गैप अच्छे एवं ये गैपटा केते जल्दी ताको पूरण करा जाई पारिबो एवं केमिति पूरण करा जाई पारिबो तार हिसाब किताब कौन एवं टीकाकरण खसड़ा कौन ये विषय रे मु भावुची आमको जातीय आमर केंद्र सरकार निश्चित भाव रे याकु एकदम स्पष्ट करिबा दरकार वर्तमान बहुत गुड़े कन्फ्यूजन रही राज्य एवं टीका सप्लायर भितर बहुत गुड़े कन्फ्यूजन रही जो लोग माने रजिस्ट्रेशन करने को जाने से सुनिश्चित हेबे कि प्रकृत टीका मिल दर उपर भी रही बहुत गुड़े जिनस रही तेणु ये जो अनिश्चितता रही या टीकाकरण गोटे स्पष्टीकरण केन्द्र सरकार तरफ आसवा दरकार खाली प्रधानमंत्री एवं जो गाइडलाइन आसी अठर वर्ष रु 45 वर्ष लोक दिज्व टीका कितु ताकू 18 वर्ष रु 45 वर्ष लोक टीका देवाई केतेदिन लगे यहाँ शेड्यूल कौन मु भावी ताकू अति स्पष्ट भाव अति सुचिंतित भाव जिते जल्दी लोक नजर को एवं जनहित जारी न कर लोक अनिश्चितता रोक जदि जाणीजे जे यही वर्गर लोक हे तो इंग्लैंड भलिया गोटे सुविधा से माने करथिले 45 वर्ष पर 44 वर्ष धीरे 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 से माने कमाउचंती आगो 80 वर्ष रु से माने आरंभ करथिले एवं जो जो वर्ग रे 80% लोक नेला परे तापरे खसौथिले तळकु तेणु समस्त धीरे 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 एवं आम आगुरु से माने टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ कर दैछंती तेणु आमको हठात पॉपुलिस्ट न होकरी जे आम समस्त टीका देदेबू आम पाखे अच्छी एक न कहीकि आमको वर्तमान प्रकृत सत्य को मानवाक पड़ो आज्ञा बिल्कुल सरकार अभिज्ञता को मध्य मॉडल भाव में निया जाई पारे आपन जो कथा कहते अंपटे जो द्वंद रोच संशय रोच लोकों मन में ताद दूर होगा दरकार डॉक्टर संतोष मिश्र वर्तमान स्थिति एमती कि जी प्रथम डोज नहीं से द्वितीय डोज नहीं पार कि ना ये आशंका देखा दौर जी प्रथम डोज नहीं द्वितीय डोज में विलंब हुए बा कौन है निश्चित भाव में जदि गोटे डोज जड़े नहीं द्वितीय डोज ननेला तेल से किसी लाभ ना दुईटी डोज नब एवं दुईट डोज नबार 15 दिन पर देहरे IgG आंटीबॉडी सृष्टि होकि रोग प्रतिरोधक शक्ति तेणु वर्तमान निहाती दुईट डोज ठीक टाइम जड़े नबार अच्छी जहाँ सार कहते अनेक कन्फ्यूजन बर्तमान आगे अच्छी अनेक सन्देह आम आगे ठिया गोटे जिनस हूँ केत प्रकार टीका दिज्व क्या केंद्र सरकार दबो क्या स्टेट गवर्नमेंट दबो एवं दर भी सेमती बहुत प्रकार होगा गोटे जिनस केंद्र सरकार केमती दब स्टेट गवर्नमेंट केमती रेट दब प्राइवेट हॉस्पिटल को रेट दब कौ टीका को केमती दिज्व अनेक कन्फ्यूजन एवं एवं महाराष्ट्र सरकार घोषणा कले जिते डिमांड है टीकार से बोध हुए निकट भविष्य में 18 वर्ष ऊर्ध लोक टीका दे न पारती तेणु आमर ए सबू SOP गाइडलाइन अति स्पष्ट होबा उचित एवं ए गाइडलाइन हवापाई केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के भितर बुझाबणा दरकार
कारण जदि जितेबाला यंग मास से माने आसीबे एवं से माने फेरिकी जाउथिबे द्वितीय डोज मिलूनी से माने फेरिकी गले एटा आहुरी अशांति सृष्टि करिवो एवं गोटे रंग मेसेज जीवो एवं द्वितीय कथा हला वास्तविक टीकाकरण ही एटार अंतिम कथा जदि जणे टीका नौची तापर ही आमे कोरोना को मात दे पारिबा जेते लोक टीका नेवा जहाँ आज जाए कहा जाऊँ जड़े जदि दुईट टीका नहीं जाइए जदि ताकू कोरोना हुए से कोरोना एत सांघातिक हेनी सी हस्पिटालाइजेसन हेनी बादि हस्पिटालाइजेसन हम ताको मृत्यु भाई जिनस नाप्रति मृत्यु न हुए तेणु कोरोना को मात देवा आम पाखे गोटे मात्र औषध ता हूँ टीकाकरण टीकाकरण को कौन सी मत बढ़ाक पड़ो यो रेट्रे बर्तमान चली जो असुविधा बर्तमान आरंभ होटा जदि चले मु भावुची बोधुए आमर जो आम भाविचे जहाँ तापरि आमर कह भाई बहुत तफा बिल्कुल साधारण लोक नवेदन रेन्द्र हूँ राज्य सरकार हूँ केमी प्रति भारतीय टीका पाइबे से दिगरे चेष्टित अछंती तेणु जनसाधारण धैर्य धरंतु होय तो किछिटा विलंब होई पारे किंतु समस्तंकु टीका मिलिबो एहा निश्चय सुनिश्चित करुछंती केन्द्र एवं राज्य सरकार से दृष्टिकोण रु पुणी थरे समस्तंकु हमर निवेदन कि धैर्य एवं संयमता निश्चय रक्षा करंतु एके को छोटो ब्रेक पई रहूचे ब्रेक परे बहुत शीघ्र फेरिबा एवं आलोचना को आगु बढ़ाइबा आवश्यकता मुताबक टीका जोगाण हो पारना आगक होगा टीकाकरण बाधा प्राप्त हो पारे यही आशंका देखा दूसरी तेणु वर्तमान समय समस्त को आहरी सतर्क और सावधान हो चलने पड़ो और टीका को संयमता और धैर्यर सहित अपेक्षा करने पड़ो यह प्रसंगे आम आलोचना करुचे श्रीयुक्त जगदानंद विशिष्ट समाजसेवी और डॉक्टर संतोष मिश्र वरिष्ठ चिकित्सक लगातार भाव में आम सहित अच्छा डॉक्टर संतोष मिश्र वर्तमान सुधा 56,39,150 डोज टीका राज्य में दि जाइए यार प्रभाव को किभरी भाव में देखुंती पाखापाखी 10% टीकाकरण हो गलानी आनुमानिक भाव में आम कहीपर यह प्रतिशत जदि के बढ़े तेल गोटे आम सुरक्षित स्थित में पहुंचा आमर मात्र 10% लोक दि जाए 4,50,00,000 लोक आमको 70-75% भाग लोक टीका देवार अच्छी तेणु जहाँ दि जाए भावुची से समुद्र को संखे एबना आहरी बहुत बढ़ेबाकु पड़िबो एवं गतिशील करिया को पड़िबो बहुत जगार सेंटर बढ़िया को पड़िबो टीकार डोज बढ़िया को पड़िबो ताहेले आमको खूब अल्प समय भितरे 70-75 भाग लोक टीका देवाक पड़िबो जदि 70-75 भाग लोक टीका न नियंती ताहेले आमर उद्देश्य साधित हेबनी एवं आमर जो हार्ड इम्युनिटी रोग प्रतिरोधक शक्ति ता उत्पन्न हो पारिबो नाही तेणु बर्तमान जेतिकी टीका दि जाऊँगी जमी टीका दि जाऊँगी जो रेट्रे टीका दि जाऊँगी मु भावुची आम ठीक बाटे आगौनी आमको आहुरी आगुक जीवाक पड़ो आहुरी गतिशील होगाक पड़ो एवं टीका को बढ़ेबाक पड़ो एबे सुधा आमको आहुरी अनेक बाट जीवाक पड़ो आमर 4,50,00,000 रु अति कम 3 कोटि लोक को टीका देवा दरकार किंतु आमे तो बहुत कम देचे 10% लोक को मात्र टीका देचे तेणु टीका को आहुरी बढ़ेबाक पड़ो श्रीयुक्त जगदानंद हे तो टीकारे जदि विलंब हुए लोके प्रतिक्रियाशील हो पारती यही स्थिति को किभली भाव में बर्तमान परिचालना करा नहीं वर्तमान जहाँ अवस्था समस्ते आम जाचे राज्य सरकार बा केंद्र सरकार जी जितेबाला चाहिए टीका तैयारी करी पारे टीका पाई निर्दिष्ट गोटे पद्धति अच्छी गोटे वैज्ञानिक पद्धति एवं ये जो टीकार आमर 90% जो टीका आम जहाँ एटी वर्तमान व्यवहार करुचे सेटा वर्तमान सेरम इंस्टीट्यूट दौच आउ रहा 10% आम पाचे जो कोवैक्सीन भारत बायोटेक रु आसुँ एबे सरकार निष्पत्ति नहीं चंती जो रूसिया निर्मित स्पुटनिक टीकाटी भी आसव तेब ताकू डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी ताकू आमको देवे वितरण करेंगे तेणु वर्तमान आमको मोटामोटी सामूहिक भाव देखा पड़ो यो तीनोटी टीका जदि फुल प्रोडक्शन चलो एवं ये तीनोटी जाक टीकाकरण व्यवस्था जिते जहाँ टीका आम देश भितर बाहर ताकू आम देश में रखा को गोटे निष्पत्ति हम किसी दिन अंत बाहर को न छाड़ी आम पाखे रहा दरकार ता छड़ा अन्यान्य जो टीका सब आहरी रही जा कि नुआ नुआ टीका सब बाहर जोटा जनसन आंड जनसन अन्न कंपनी ताकू आम के जल्दी आवरिकी आनीपरिया सेटा उपर निर्भर करुच्ची
ଆମର ସପ୍ଲାଇକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା, ଏବଂ ଇଏ କାମ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କାମ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ହେବ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ଼ଟା ସେତେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦାନନ୍ଦ, ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତି କି ଯଦି ଟିକାକରଣ 70-80% ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି? ସେଟା ତ ରାମରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ, 70-80% କେବେ ହେଇପାରୁଛି? ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଏତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଯେ 70-80% ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ନା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ମୁଁ କହିପାରିବି, ଏଇନା ଯେଉଁ ଯେମିତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି କେତେ ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ମିଳିବ, କେବେ ମିଳିପାରିବ, କ'ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ମିଳିବ, ଏଇଟାକୁ ସପ୍ଲାଇ ସାଇଡ଼ଟାକୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ପଟେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଶୋ, ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼ିବେ 45-60 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକା ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍, ଯାହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ବି ହେଇନି, ସେମାନେ ବି ଆସିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯୁବପିଢ଼ି ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ ଯିବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସିନିୟର ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ନୁହଁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଗ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ହେଲେ ପଛରେ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ନୈତିକତାର ଲଢ଼େଇ ପଡ଼ିବନି ଆସ। ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ ସେଠି କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବା, ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବଡ଼ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ୍ ଭାବରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଚଲେଇବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ରହୁଛି, ଏବେ ବି ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇବା କାମ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର, ଲୋକ ସଂଗଠନ, ଜନସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବୋରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ସାଇଟ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବା। ବିଲକୁଲ। ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ଏକଦା ଆମେ ବିନା ଟିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରଥମ ଲହରକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଆସିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣ ଯେମିତି ସତର୍କ ସଚେତନ ରହୁଥିଲେ ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ହୁଏତ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯାଇଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ରହିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, 70-80% ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକା ଦେବା, ଏଇ ଏଇ ଧରଣର ଯଦି ଆମେ ଟିକା ଦେବା, ସେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମୟ ଲାଗିବ। ସଂଗଠିତ କରନ୍ତୁ, ବାହାର ଟିକା କିଛି ଫାଇଜର ହଉ, ଜନସନ୍ ହଉ, ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ 4-5 ଟିକା ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। ଟିକାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଲହରରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ହେଲା ଆମ ହାତରେ ଟିକା ଅଛି, ଏବଂ ଏଇ ଟିକାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତା'ର ଫଳାଫଳ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମକୁ ସେଇ ମାସ୍କ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଟିକାକରଣ ଆସିଲା ପରେ, 70-80% ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ, ଭାରତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ଆମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଡବଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ପରେ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭେରାଇଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଂକ୍ରମଣ ଅତି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ବି।
पढ़ुंट तेणु आमको सतर्क रहा हम लोक सचेतन बढ़ाक पड़ो लोक मैंने आहरी सचेतन हूँ लोक मैंने सामाजिक सचेतनता सरकार भी बढ़ात सरकार सबु चेष्टा लोक मैंने जानतु एवं उपलब्ध करातु ताकू मानतु या मोर लोक नवेदन एवं टीकाकरण विषय मुझे कह आगामी दिन में यह एक जटिल समस्या निश्चय सृष्टि कर किंतु सरकार आपको भल भाव मुकाबला जदि करे टीकाकरण निश्चित भाव सक्सेसफुल हम एवं लोक मेरे पहुँची पार एवं 18 वर्ष ऊर्ध जो लोक मैंने वर्तमान यंग जेनेसन जो मैंने कि कोविड द्वितीय लहर में संक्रमित होती निश्चित भाव टीका ना उचित एवं टीका विषय जो भ्रमात्मक धारणा रही गुड़े सोशल मीडिया रे प्रचार चली सब संपूर्ण मिछ टीका जे निश्चित भाव उपकारी एवं टीका ही आर शेष रक्षा कवच आपको आमको मानवाक पड़ो एवं श्रृंखलित भाव में सरकार सहित हाथ हाथ मिले आमको आगे पड़ो निश्चित भाव सरकार दायित्व रोचे जनसाधारण कर्तव्य रोचे जमी श्रीजुक्त जगदानंद कहते कि ये अभियान को कमी व्यवस्थित ढंग से आम चलई पार से दिगरे सरकार जोर देवा उचित एवं टीका को नहीं द्वंद्व तथा जेकोसी तथ्य रोचे ताकि स्पष्ट भाव में जनसाधारण आगे रखा दरकार एवं अन्यपटे जनसाधारण धैर्यर सहित अपेक्षा करवा दरकार कि सरकार समस्त टीका देवाई गोटे प्रकार प्रतिश्रुतिबद्ध निश्चय समस्त टीका मिल हूं तो किसीटा विलंब हो पाए यह सब भितर आम आशा और विश्वास करवा जनसाधारण दीर्घ दिन धरी अपेक्षा कर दिन धैर्य धरीगले समस्त टीका निश्चय मिल कोरोना विरुद्ध यही युद्ध में आम आउ गोटे सोपान को जापर बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त जगदानंद डॉक्टर संतोष मिश्र आज आम सहित आलोचन सामिल होता तेज दर्शक बंधु समय निर्देश आज प्राइम डिबेट को ये रखा नमस्कार।